इज्जत ने इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, फरमाया तहकीक रसूलुल्लाह दे विच तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम अलैहि सलातो सलाम दी हयात तैयबा नूं साडे सारे वास्ते नमूना करार दिता। हर नौजवान का दिल करता है कि मैनू कोई ऐसा नमूना मिल जाए कि मैनू जिंदगी गुजारन का ढब आ जाए, मैनू जिंदगी गुजारन का ढंग आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, फरमाया एक मेरे महबूब की जिंदगी तुहाड़े सारे वास्ते नमूना है। किसी एक इंसान की जिंदगी किसी एक दो चार बंदियां वास्ते नमूना हो सकती है, किसी बादशाह की जिंदगी किसी बादशाह वास्ते नमूना है, आलिम की जिंदगी आलिम वास्ते नमूना है, पीर की जिंदगी पीर वास्ते नमूना है, खतीब की जिंदगी खतीब वास्ते नमूना है, शायर की जिंदगी शायर वास्ते नमूना है, फकीर की जिंदगी फकीर वास्ते नमूना है, गरीब की जिंदगी गरीब वास्ते, अमीर की जिंदगी अमीर वास्ते नमूना है। अल्लाह ने नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नबी भी ने बादशाह भी ने, आप की जिंदगी के अंदर बादशाह का नमूना तो मिलता है मगर फकर ते गरीबी का नमूना नहीं मिलता। अल्लाह ने नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम भी अल्लाह के नबी ने मगर आपने चूंकि शादी नहीं फरमाई तो आपने तजर्रु की जिंदगी गुजारी, तो हजरत ईसा का कोई उम्मती अपने नबी की जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी का नमूना नहीं दे सकता। मगर एक कमली वाले की जिंदगी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, फरमाया एक मेरे यार की जिंदगी तुहाडे सारे वास्ते नमूना है। या अल्लाह अमीर की जिंदगी अमीर वास्ते नमूना होंगी गरीब वास्ते नहीं, तो गरीब की जिंदगी अमीर वास्ते नमूना नहीं होंगी, बादशाह की जिंदगी फकीर वास्ते फकीर की जिंदगी बादशाह वास्ते नमूना नहीं, एक जिंदगी सारे वास्ते नमूना किस तरह हो सकती है। आवाज आवेगी कि जे तू किसी का पुत्र है तो फिर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला दे उस लाल की जिंदगी का मुतालिया कर, जे तू किसी का शौहर है तो बतौर शौहर हजरत अम्मा खदीजा तुल्कुबरा हजरत अम्मा आयशा तू सिद्दीका दे शौहर नामदार की जिंदगी का मुतालिया कर, अगर तू किसी का बाप है तो सैयदा ज़हरा पाक ते उन्हें चार बेटियां ते तीन बेटियां दे बाबा जान की जिंदगी का मुतालिया कर, अगर तू बादशाह है उसकी जिंदगी का मुतालिया कर जिहड़ा मिंबर खत्मे नबूवत ते बैठ के खुदा के सारे जहान से बादशाही पिया करता है, और अगर तू गरीब है फिर भी उस रसूल की जिंदगी का मुतालिया कर जिस रसूल ने सारी जिंदगी एक मरतबा भी पेट भर के खाना नहीं खादा, जिस रसूल के घर लगातार तीन दिन चूल्हा नहीं जलिया, और अगर तू अमीर है फिर भी उस रसूल की जिंदगी का मुतालिया कर जिस रसूल ने फरमाया कि मैं अगर पहाड़ों को इशारा करा तो ये पहाड़ सोना बल्कि मुहम्मद के नाल नाल टुरिया करन, और अगर तू कहे ना दशहन शाह है फिर मुस्तफा करीम जिहड़ा रब दे सारे जहाना दशहन शाह है उहदी जिंदगी का मुतालिया कर। ताइयां ते अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां मैं वेखिया एक दिन हजूर मेरे हुजरे च बह के अपनी नालाने पाक नूं टांके पे लगांदे ने, अम्मा आयशा सिद्दीका चरखा पईआं कतदीआं, कौन आंदे वाली ने वेखिया कि अम्मा आयशा सिद्दीका रो रही, फरमाया आयशा क्यों रो रही, अर्ज़ कीती सोणिया तेरी शान ते इतनी है कि खुदा दे अरशां दे सने जोड़ी फिर के आ जावे ते तेरी आज दी तू सदके जावा अपनी नलैन नु टांके आप पे लगांदे हो, फरमाया आशा जे कल नु को बादशाह कवे कि मैं मिंबर ते बैठ के ते बादशाही करने वाले रसूल दी सुन्नत पे अदा करना ते ओ सड़क दे किनारे बैठ के जुतियां गंडन वाला मोची भी उठ के आखे मां भी मुहम्मद दी सुन्नत ही पे अदा करना वा, फरमाया मैं तगड़ियां दा भी रसूल हां ते मैं माड़ियां दा भी रसूल हां। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिस किस्म का तुम नमूना तलाश करना चाहो तो हजूर की जिंदगी चो सारे नमूने मिलेंगे। आज मेरा दिल करता मैं तो हजूर की हयात तैयबा के चंद नमूने अर्ज करा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह करे मेरी मिल्लत के नौजवानों जिंदगी गुजारन का ढंग हजूर की जिंदगी चो मिल जाए, जिंदगी गुजारनी आसान हो जाए, दुनिया के आखिरत का भला हो जाए। आइए कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब की हयात अपनी महबूब की जिंदगी अपने यार की जवानी का किवें जिक्र फरमाया, पढ़िए कुरान भाई। मैं काफी देर के बाद राजा हल पा रहा है ना भाई, मुहर्रम शरीफ चाहे मुहर्रम शरीफ चाहे सा ते मुहर्रम शरीफ तो बाद आ जाए है ना जी, ते सुभान अल्लाह को जोड़ के रखी तो कोई ना, हम तो रोजे नहीं
लंगर तो तुसी वधेरा खादा होना माशाल्लाह ईद दे दिनां विच। ते सियाणे कहिंदे ने जिहदा खाईए उहदा गाईए, अपना ते नाल दे दा हाथ चुके इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज़ आवे। वेखो भला किहड़ा नहीं बोलिया, उहनूं हिलाओ ते जगाओ ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानूं मदीना तैयबा छड़ के आना बई तसव्वुर ते तखय्युल दी दुनिया विच, ताकि असीं अज रसूलुल्लाह दी जिंदगी च चंद गोशे वेखीए, अपनी जिंदगी ते रंग चढ़ा लईए। गिरामी कदर हज़रात सुणीए कुरान, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला मुदका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले मैनू तेरी उम्र की कसम है, मैनू तेरी जिंदगी की कसम है, 1,24,000 रुपया है। अल्लाह ने किसे नबी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई। जदू कमली वाले की वारी आई फरमाया फखा दिला भी तुफी कबली ही अफला किलो। परवरदिगार ने किधरे रिशा फरमाया लाम रुका इल्लाहुम लफी ताजदार पीर मेहर अली शाह ने दत्तर जमाए जब फरमाया आप फरमाते ने कोई मिसल न जानी दी, कोई मिसल न जानी दी, ए कोई मिसल न जानी दी, ओ कोई मिसल न जानी दी। रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी, ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी, ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी, ते कोई मिसल न ढोलन दी। जिदा कीता मेरे अखीते दे नाल रलदा है, हाथ चुके एक बारी इंज करके हिला के कवे कोई मिसल न ढोलन दियो, कोई मिसल न ढोलन दियो, कोई मिसल न ढोलन दियो, कोई मिसल न ढोलन दी, ए चुप कर मेहर इथे जानियों बोलन दी, ए चुप कर मेरे अली इथे जानियों बोलन दी। वबार सलात इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कोई मिसल न ढोलन दियो, कोई मिसल न डोलने दी। लखा दे जा खुम रसूल, कोई मिसल न ढोलने दियो, कोई मिसल न ढोलने दी। कद जा खुमिन अल्लाह नूर, कोई मिसल न ढोलने दिया, कोई मिसल न ढोलन दी। कद जा कुम कुरान में वापी कुम, कोई मिसल न ढोलन दिया, कोई मिसल न ढोलन दी। ओ बल्ला दी अरसल रसूल हो, कोई मिसल न ढोलन दिया, कोई मिसल न ढोलन दी। या अय्युहल नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, कोई मिसल न ढोलन दियो, कोई मिसल न ढोलन दी। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही फसिराजन मुनीरा, कोई मिसल न ढोलन
दिया कोई निशल न ढोलने दी बाबा शिरिल मोमिनीन दी अन्ना लहुम मिन अल्लाह फदलन कबीरा कोई निशल न ढोलने दिया कोई निशल न ढोलने दी कुल भी फदलिल्लाह बाबी रहमतही बाबी दालिका फल यफरहू कोई निशल न ढोलने दी ए चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं ओ बोलने दी फतुहार कोई मिसल न बोलने दी वल्लैली इज़ा सजा कोई मिसल न बोलने दी अलम नशरा लगा सदरक कोई मिसल न ढोलने दिया कोई मिसल न ढोलने दी बाबा दाना अलकबीरा कल्लदी अनकदा बहरक वरफाना लगा दिकरक कोई मिसल न डोलने दिया कोई मिसल न डोलने दी ए चुप कर मेरे अली इथे जान बोलन दी आमीन आमीन हुण बोलो सारे सुभान अल्लाह बजदा कीदा कोई मिसल नहीं ओ बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया सोनिया लअमलुका इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहून ओ किन्नी को पाक जिंदगी होवे कि जिदी रब ने कसम चुकी सारा जग रब दीयां कसमां चुके ते रब यार दी जवानी दीयां कसमां चुके अल्लाह फरमाया लअमलुका महबूब ने तेरी जिंदगी दी कसम है कैसी पकीज़ा जिंदगी नौजवान जब कौन है दिवाली दी उम्र मुबारक जवानी हुई ना 14 साल उम्र मेरे नबी दी शाजी सैयद आलम ने देखा कि मक्के के अंदर कोई बाज़ाबता हुकूमत नहीं कोई पार्लियामेंट नहीं कोई वजीर आजम नहीं कोई सदर नहीं कोई वजीर आला नहीं कोई हुकूमत नहीं बाज़ाबता एक ही कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी अमीर बहुत अमीर है तो गरीब बहुत गरीब है गरीबों का इस्तेसाल हो रहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चंद नौजवान इकट्ठे किए अपने हम ख्याल ते आख्या आओ असी एक अंजमन बना लईए असी एक सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी बना लईए जिद तहत असी अमीरां कोलों गरीबों का हक लैके ते गरीबों नूं वापस करिए कोहे सफा ते एक दिन नबी करीम बैठे थे नौजवानों के दरमियान बैठ के हुजूर उस मीटिंग की सदारत फरमा रहे कि मक्के का निजाम किस तरह दुरुस्त किया जाए अचानक एक पेंडू अराश कबीले का अराशी पहाड़ की चोटी से चढ़िया तो उन्हें नीचे काबे वाल ते मक्के वाल वेख्या ते काबे वाल वेख के कह लगा काबे वालिया मैं तेरे मक्के शहर च रोंदा जा रहा ते इस पूरे मक्के शहर च किसी गरीब की सुनने वाला कोई नहीं ते मैं तेरे मक्के च रोंदा चलिया अफजल कादरी साहब उस नौजवान की उस पेंडू की जदों आवाज मेरे नबी के कन्नां तक पहुंची ना तो हजूर उठ के जल्दी जल्दी उसके करीब गए तो नबी करीम ने फरमाया आ जरा जुमला आख्या जरा फिर कवी उन्हें आख्या जी मैं काबे वाले ना गल पे करना मैं काबे वाले नु कह रहा कि मैं तेरे मक्के च रोंदा जा रहा ते इस गरीब दी सुनन वाला कोई नहीं सरकार ने फड़ के नु सीने लगा के फरमा जिदिया कोई ना सुने ओदिया मैं ही सुनना तो मैनू दुखड़ा सुना दुखी दी गल दुखी आई जाने सैयद आलम ने फरमाया तू मैनू दुखड़ा सुना जे 14 साल दी चढ़दी जवानी मेरे नबी दी उस पेंडू ने जद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे अनवर वल वेख्या ना चथरू आ गए थे कहने लगा सोने तेरी शक्ल वेख के सूरत वेख के तेरा हुसन वेख के दिल कर दे तेनू सारे दुख नहीं सुना देवा
हुण पेंडू मेरे नबी दे गले लग ना ते दुखड़े सुना रहा। नौजवान पेंडू कहन लगा खोनिया जद मेरी जवानी हुई ते शादी हो गई, अल्लाह करीम ने मैनू बेटी अता कर दी, अपनी बेटी पालता रे, अल्लाह ने मेरी ऊंटनी नू बच्चा अता कर दिता, मैं ऊंटनी दा बच्चा भी पालता रे, अपनी बेटी भी पालता रे। आओ मेरा ख्याल सी जद बेटी जवान हो जाएगी ऊंट भी जवान हो जाएगा, ऊंट वेच के बेटी दी शादी कर देवांगा। अज ऊंट भी जवान हो गया, बेटी भी जवान हो गई, बेटी दी शादी दा वेला आया। मक्के दी मंडी च ऊंट वेचन आया, एक मक्के दा चौधरी मेरा ऊंट खरीद के लै गया। हुण मैं पैसे मंगना, पैसे देंदा कोई नहीं, बड़े बड़े अमीरों दियां बड़े बड़े चौधरियां दियां सिफारशां भी डलियां नहीं, वो चौधरी किसे दी मनदा ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया दस उस चौधरी दा नाम की है, तेरे पैसे मैं लेके देवांगा। पेंडू कहन लगा ना ना ओ चौधरी किसे दी मनदा ही नहीं, मेरे आका ने ता फरमाया दस उसदा नाम की है। कहन लगा लोग नू अबुल हिकम आखदे ने, मेरे आका ने फरमाया कहंदे आउणगे लोग अबू अल हिकम कहंदे आउणगे, मैं मुहम्मद नू अबू जहल कहना। नाम रखा सी अबू अल हिकम, हिकमत दा ते दनाई दा बाप बड़ा सियाना बनता से। मेरे नबी ने फरमाया जाहिल ते जाहिलां दा बाप अबू जहल। तुसी पुछो कि आसी साहब जमाना उन्हों बड़ा सियाना कहता सी, हजूर ने उन्हों अबू जहल क्यों आख्या? मैं आसान अल्फाज विच तुहानू समझा देवां, इस दीवार ते सफेद रंग कर दियो ते इस दीवार ते काला रंग कर दियो ते सारियां लाइटां बुझा दियो, रोशनी ना होवे बिल्कुल अंधेरा होवे ते पता लगेगा कि दीवार सफेद है ते कि काली है, नहीं ना? जू ही रोशनी होगी ना ते पता चल जाएगा कि आ दीवार सफेद है ते आ काली है। पता चलिया जदों अंधेरा होवे ना ते चिट्टे ते गोरे ते काले दा पता नहीं लगदा, पर जदों रोशनी होवे नूर आ जाए ना फिर पता लगदा सफेद केड़ा ते काला केड़ा। जब तक कुफर दा अंधेरा सी ना, जहालत दा अंधेरा सी, पता नहीं सी लगदा गोरा केड़ा ते काला केड़ा है, अबू बकर केड़ा ते अबू जहल केड़ा है। मुहम्मद दा नूर चमकया ते पता लग्या बिलाल बारों काला है विचों गोरा है, अबू लहब बारों गोरा है विचों काला है। ए वंड मेरे नबी दे नूर ने आके कीती, दस्या कि अबू बकर कौन है ते अबू जहल कौन है। मुआशरे च इक्को ही वसदे सन पर पता नहीं सी कि अबू जहल केड़ा ते अबू बकर केड़ा। ए मुहम्मद दे नूर ने आके दस्या, पता चलिया जब नूर आ जाए ना, नूर आ जाए जहालत तो खत्म होवे, कुफर खत्म होवे, अंधेरा मुक जावे, फिर इंसान की पहचान होती है। लोग अबू अल हिकम समझते सन, पर जदों आए ना कमली वाले। मैं होर आसान करके समझा देव, एक दिन सफवान ते अबू सुफियान पहाड़ की चोटी ते बैठे, अबू सुफियान ने अबू सफवान को मार के ना ते आख्या ओ ओ नीचे वेख, नीचे वेख्या ते एक हिरनी पे दौड़े, उदे पीछे बग्याड़ पे दौड़े। जू ही हिरनी डर के हरमे काबा दे अंदर दाखिल हुई ना, ते हरम दी हद शुरू हुई ते बग्याड़ इंज रुक गया जिवें किसे जंजीर पाके रुके है। अबू सुफियान सफवान को मार के कहन लगा वेख किड्डा सियाना बग्याड़े, इनू हरम की पहचान है, इनू पता है कि वह मन दखल हू का ना आमिना, जिहड़ा हरम च दाखिल हो जाए वह अमन च आ जाता है, इत्थे शिकार हराम इत्थे शिकार मना है। यार बड़ा सियाना बग्याड़े, इनू हरम की पहचान है, रुक गया। तो बग्याड़ मुड़ के कहन लगा मैनू जानवर होके हरम की पहचान है, तेनू बंदा होके जो मुहम्मद की पहचान ही नहीं हो। पता लग्या उन्हें जानवर नालों, वो जानवर वो ना बंदियां नालों चंगे हो जिन्हां नूं मुहम्मद की पहचान हो गई, उन्हां इंसानां नालों जानवर चंगे जिन्हां मुहम्मद की पहचान कर ली। गिरामी कदर हजरात, वो जानवर नालों भी बुरे, कमासलिल हिमार यहमिल असफारा, वो जानवरां नालों भी बुरे जिन्हां नूं मुहम्मद की पहचान ना हुई। अबू जहल नूं मुहम्मद की पहचान नहीं ना हुई। वो लोग समझते अरबी बोलने नाल होरे मुहम्मद की पहचान हो जाती, जे अरबी आवन नाल अबू जहल पहचान होनी होंगी तो हो ना जाती, वो माँ अरबी बाप अरबी आप अरबी, पर उन्होंने अरबी हो के मुहम्मद की पहचान नहीं हुई, तो बिलाल हबशी हो के यार की पहचान हो गई है। मसला जिन्होंने कमली वाले की पहचान हो जाए, कौन है
वाली ने फरमाया थे अबू जहल आ मैं तेरे पैसे लेके देवा। सारे नौजवान मक्के दे नाल ले थे। हजूर अबू जहल का दरवाजा खटकाया। अबू जहल बाहर आके मेरे नबी नु बड़े अदब नाल कहन लगा अमीन किधर आयो मेरे आका नु मुहम्मद अहमद नहीं सन कहंदे लोग मक्के दे अमीन ते सादिक कहंदे सन। कहन लगा अमीन किधर आयो सरकार ने बुलाना भी पसंद नहीं किया। ये इस तरह करके कंड के पिछू पेंडू नु खड़ा किया। तो हजूर ने फरमाया ये ऊंट नु खरीदे आई। अबू जहल कहन लगा फरमाया पैसे दिते नहीं देने के नहीं। सुभान अल्लाह। हुण तुसी पुछोगे आसी साहब आ की है ते इन्हों मैं आला हजरत दी जबान चाखा ते आला हजरत फादरे बरेलवी फरमाते ने तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बड़ा मान सी ना कि असी बड़ा मिठा बोल रहे साढ़े वर्गा शायर कोई नहीं असी फिल बदी कलाम करने वाले हाँ पर जदों कमली वाले दी वारी आई तो हजूर बोले ना ते अल्लाह फरमा इन कुन तुम फी रैबि मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिस्लिही। अल्लाह फरमाया बड़ा मान जे ना बोलियां ते कोई एक इंज दी सूरत लियाओ जड़ी बोले ते कुरान दी सूरत बने। इन सारिया चीजा लो गल्ला नबी दिया मिठिया दिवाली ने अबू जहल ने फरमाया दे पैसे लेके आओ। अबू जहल ने ऊंट की कीमत ले आके मेरे नबी दी तली ते रखी। सरकार ने उस पेंडू नु पैसे दिते। ओ पेंडू नाले बड़ा खुशी खुशी पैसे लेई जांदा है नाले मक्के दियां गलियां च पड़दा जांदा है कहंदा हौसले मोड़ियां दे बधावे पिया आजजी तगड़ियां सिखावे पिया हौसले माड़ियां दे बधावे पिया आजजी तगड़ियां सिखावे पिया नीरगारा च जाके बगावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते अज दी तगड़ियां नू सिखावे पिया। ओ मेरे कमली वाले दी सीरत नू सदके जावां। एक दिन ना हजरत अबू ज़र गफारी ते हजरत बिलाल हबशी दी गर्मा गर्मी हो गई। तवज्जो है तुसी थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए ते हाथ ना चुकियो मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए। मैं अगले दिन तकरीर कर रहा ते मैं आख्या भाई जिन्हें जिन्हें जन्नत च जाना हाथ खड़ा कर लो सारे हाथ खड़े कर ले। मेरे सामने एक नौजवान तो ने हाथ ना खड़े किए। मैं क्या तू जन्नत च नहीं जाना। वो कहने लगा आसी साहब अम्मी ने आख्या पुत्र माफा तू सीधा घर ही आवी। तो कई बेली इस गल तू भी हाथ नहीं खड़े कर दे कि मैं सीधे किधरे वधी नु सत्ते ही खैर आउंदी हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। मैनों पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जाग दे नौकरां च बैठा। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात हजरत अबू ज़र गफारी गफार कबीले दे चौधरी ते हजरत बिलाल हबशी चुके आजाद करदा गुलाम। गर्मा गर्मी हो गई ते हजरत अबू ज़र गफारी फरमान लगे हजरत बिलाल हबशी नु कहन लगे चुप करो ए कालिया चुप करो ए कालिया। हजरत बिलाल हबशी तड़प के उठ के खड़े हो गए ते फरमान लगे मैं नबी पाक नु दसना ना कि मैनू काला आख्या ने। रोंदे आ गए हजूर को।
कदमा ते हाथ रख के अर्ज की या रसूल अल्लाह हजरत अबू ज़र गफारी मैनू अज काला आखे मेरे नबी दे तेवर बदल गए ते हजूर ने फरमा बुलाओ ना जर अबू ज़र नू अबू ज़र गफारी आए ते जब मस्जिद के दरवाजे च पहुंचे ते नबी पाक बड़े जलाल चाके फरमान लगे अबू ज़र तेरे बिचो अजे दौरे जाहलिया दियां आकड़ा नहीं गईयां बस मेरे नबी इना फरमा ते अबू ज़र गफारी ते पानी पानी हो गए खलो के मस्जिद के नबी के दरवाजे च हाथ जोड़े ते अर्ज की कमली वालिया तू ते तेरा रब मैनू माफ कर दियो ते बिलाल नू मैं राजी कर लेना मस्जिद नबी के दरवाजे के पार ही मदीने का चौक सी हजरत अबू ज़र गफारी उस चौक जाके ते जमीन ते लेट गए अपना रुखसार इस तरह करके जमीन ते रखिया लोग कठे हो गए कोठे ते लोग चढ़ गए लोग बाजार च कठे हो गए अबू ज़र गफारी क्यों जमीन ते लेटे इतने बड़े चौधरी ने किसी हजरत बिलाले हबशी दस्या दौड़ दे आए जब हजरत अबू ज़र गफारी दी बिलाले हबशी दे चेहरे ते निगाह पई ना ते आवाज़ दे के रो के कहंदे ने बिलाल दौड़ के आ ते अपना पैर जरा मेरे चेहरे के उत्ते रख मेरी आकड़ टुट जाए बिलाले हबशी भी दौड़ के आके इस तरह बाजुओं तो पकड़ के उठा के ते हजरत अबू ज़र गफारी नु सीने लाया इत्थे बोसा दे के फरमांदे ने ये चेहरा मैं जमीन ते रुलन देना जड़ा मेरे माही नु बड़ा सोहना लगता है हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आज जी तगड़ियां नु सिखावे पिया है याद जो फतह मक्का दा दिन जद सारे मक्के दे चौधरी खड़े बड़े बड़े अमीर खड़े अजान का वेला आया तो 10,000 सहाबा भी सन जिन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरैश के इतने बड़े सरदार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी सन पर जब अजान का वेला आया ना तो मेरे नबी ने चौधरी नहीं बुलाया गुलाम बुलाया अरबी नहीं बुलाया हबशी बुलाया गोरा नहीं बुलाया काला बुलाया ते बिलाले हबशी नु बुला के फरमा बिलाल आ ते काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़ बिलाले हबशी रो के हाथ जोड़े ते अर्ज की या रसूल अल्लाह मक्के दे चौधरी खड़े ने मैं ना चौधरिया तो उच्चा किवें हो जावा फरमाया बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जा मैं दुनिया के चौधरियों नु इहो ते दसना है ओ दुनिया दे चौधरियो तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जाए हजरत मियां शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को एक मुरीद आया उन्हें अर्ज की हजूर लोग अपने नाम ना चौधरी लिखते हैं मेरा भी दिल करता मैं भी नाम ना चौधरी लिखा पर मैं जरा चौधरी का मतलब दसो चौधरी होंदा कौन है किन कहते हैं आपने फरमा पुत्र चौधरी दो होंगे ने अर्ज की हजूर पहला कि फरमा पहला चौधरी वह होंगे जिद को मुरबे हो जमीन होवे चौधर होवे पुत्र को बैंक बैलेंस गड्डी छड़ी नौकर चाकर डेरेदारी होवे ना पुत्र उन्हें चौधरी कहें उन्हें अर्ज की हजूर दूसरा चौधरी केड़ा होंगे फरमा पुत्र मुरबिया वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है मुहम्मद का कमी बन के मर जाए कबर भी चौधर जुंदी रहेगी असल चौधरी वह होंगे ने जो मुस्तफा दे फकीर होंगे ने कौन है दिवाली ने फरमा बिलाल चढ़ जा काबे की छत उते बिलाल इस तरह करके काबे की छत चढ़ने लगे छत उच्चा ते कद नीवा मुड़ के फिर नबी करीम वल वेख्या ते मेरे आका ने फरमा को सहाबी मेरे बिलाल दे पैरां थले कंधे रख के नु चढ़ा दियो बिलाल फिर रो पे अर्ज की सोहणिया तेरे अरबी ते सोहणे ते चौधरी गुलाम ए सहाबा इन्हां दे पैर मैं कंधिया ते पैर रख के किवें चढ़ जावां मेरे आका फरमा बिलाल किसी के मोढ़िया ते पैर रख के चढ़ जा आने वाली उम्मत दे माड़े ते गरीबां नु दसना चाहना ओ दुनिया दे माड़े ओ जिहड़े नीवे होंदे जे मुहम्मद सहारा दे के उच्चा ही कर देंदा जे हजरत बिलाले हबशी जड़े वेले काबे दी छत आ गई कन्ना चुंगलिया लैके बिलाले हबशी ने अजान पढ़ी इजाजत होवे तो अजान पढ़ावे उवें ते नहीं मैं पढ़ सकदा ना को दुनिया च होर कोई पढ़ सकदा ओ किथे मौज़न ए रसूल बिलाल कन्ना चुंगलिया लैके ना जड़े वेले अजान पढ़ी काबे दी छत खलो के कायनात दी तारीखी अजान फतह मक्का दा दिन तारीख कायनात दा अजीम दिन तारीख इस्लाम दा अजीम दिन ते काबे दी छत किनू चढ़ाया गुलाम नू हबशी नू ओ यार काले नू कौन है दिवाली ने जदों काबे दी छत चढ़ाया ना ते वेख किवें नीवें नू उच्चा करदा मेरा नबी हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजज़ी तगड़ियां नू सिखावे पिया बिलाल कन्ना चुगली लै के अल्लाहु अकबर नहीं बोले नहीं तो मैं पूरी सुना नहीं सी। नहीं हूं फिर कदे सही बिलाले हबशी जड़े वेले काबे की छत चढ़की अजान पड़ी जा रही
सारी दुनिया बिलाल वल वेखरी काबे दी छत एक गुलाम चढ़ के अदान पे पड़दा है। नौजवान जड़ वेले बिलाल अदान पढ़ी जा रहे, लोगों ने वेखिया ते हैरान रह गए। बिलाल अदान ते काबे वल चेहरा करके पढ़ी दिए, काबे दी छत खड़ा है, किधर केरा चेहरा करके अदान पढ़ी जा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं असि बिलाल दा इश्क वेख हैरान रह गए। बिलाल अदान पढ़ी जा रहे है, पढ़ी जा रहे है, पढ़ी जा रहे है, जिधर जिधर कमली वाला तुरी जा रहे है। बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे है, मुड़ी जा रहे है। तन मेरा चश्म होवे ते मैं मुर्शिद वे खना रजा नू दे मुड लख लख चश्मा हिग खोला हिग कजा इकना डिठिया मैनू सबर नया आवे और कि दे वल फजा मुर्शिद दीदार मेरा कौ मिल पाओ मैनू लख करोड़ा हजा कादरी साहब कहते ने एक बार फिर भाई एक बार फिर सुभान अल्लाह ए मैं गिन के दस सकना किन्ने बंदे सुभान अल्लाह प्यार दे अकल कुर्बान कुंभ पेशे मुस्तफा जद हजूर की गल आवे ना फिर आवाजा अकल दिमाग सोचा जान माल औलाद तन मन धन सब कुछ वार दिया करो सवाब समझ के बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल वे के आख दे उनके ए तन मेरा 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 ए तन मेरा मेरा से माहौवे तन मेरा मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वे खना रजा हूँ मुर्शिद वे खना रजा लख लख चश्मिक खोला हिक कजा इकना डिठिया मैनू सबर नया आवे होर कि दे वल फजा मुर्शिद दा दीदार है बाहो मैनू लख करोड़ा जा हौसले माड़िया दे वधावे पिया ते आज जी तगड़िया नू सिखावे पिया। हजरत बिलाल अबशी जदों हिजरत करके मदीने आए ना तवज्जो है सारे ने मेरे वल एक मदीने दा यहूदी बहुत बड़ा ताजर सी उदा मदीने कोई जनरल स्टोर सी उस दौर च
आके हजरत बिलाल नु कहन लगा, बिलाल यार एक मेरी गल तो सुन। आपने फरमाया जी। कह लगा तू मदीने उस दुकानदार दा भी उधार देना है, ओदा भी उधार देना है, ओदा भी उधार देना है, तू जो इन्ने लोगों का उधार देना है। ते मदीने च मेरा इतना बड़ा जनरल स्टोर है, तेनों जिहड़ी चीज़ की जरूरत होवे तू मेरे को खरीदया कर। मैं तेनों दो चार पाँच सत्त महीने दो तीन साल भी पैसे पूछने नहीं, जिन्ना तेरा दिल करदा उधार खरीद। तेनों पता मैं बहुत बड़ा ताजर हाँ। जो कर्जा होंगे ना हजरत बिलाल हबशी ते, वह हजरत बिलाल का नहीं होंगे, वह हजूर का होंगे। क्योंकि कोई मंगता दरवाजे से आके तो आवाज़ से सदा देंदा, तो मेरे नबी हजरत बिलाल को फरमाते हैं बिलाल इन्हें कुछ दे दे, क्योंकि सारे रब के खजानिया का मालिक मेरा नबी है, तो मेरे नबी का वजीर खजाना हजरत बिलाल हबशी है। ये नबी पाक का वजीर खजाना है। नबी पाक दियां 11 बीवियां ते एक सैयद हज़ारा पाक दा घर, केड़े घर आटा लियाउण वाला है, केड़े घर लकड़ियां लियाउण वालियां, किदा घर की देन वाला है ते की लैण वाला है, ये सारा पता सिर्फ हज़रत बिलाल हबशी नूं हुंदा। यानी मेरे नबी दा वज़ीर खज़ाना हज़रत बिलाल। हजूर ने फरमाना बिलाल इन्हूं मंग तेनूं कुछ दे दे। ना होना तो बिलाल ने जाके ना किसी दुकानदार को उधार लैके दे देना। नबी पाक कोल जदों पैसे आने तो हजूर ने हज़रत बिलाल नूं देने, आपने दुकानदारां दा उधार चुका। नौजवानों ने अदान पढ़नी ना, आवाज एडी मिठी सी, इन्नी मिठी आवाज, इन्नी मिठी आवाज के हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अपनी किताब कशफुल महजूब फरमाते ने कि नबी पाक ने किसी सफर तो थक के मदीने आना, ते मदीने आके नबी करीम ने फरमाना अरहना या बिलाल बिसला। हजूर ने फरमाना बिलाल अजान पढ़, मुहम्मद की थकावट उतर जावे। वो एडी मिठी अजान पढ़ता, मेरे नबी की थकावट उतर देता। बिलाल हबशी ने जो अजान पढ़नी ना, तो उस यहूदी का चूके कोठी बिल्कुल मस्जिद नबी के नाल सी, तो उन्हें इंज झूमना। जब अजान मुकनी तो उन्हें फिर होश आना, मैं तो झूम रहा सू। शाह जी ख्याल आया कि जे मैं झूमना तो यकीनन सारे मदीने तो यहूदी झूमते हो गए, तो वह ना हो बिलाल अजान पढ़ता रहे, तो यदि अजान से आवाज़ च मशहूर कौन आवाज़ देना, लोग मानूस हो कि कितने मुहम्मद का कलमा ना पढ़ते रहन, तो होवे ना तो मैं बिलाल का इंतजाम ना करा, ना ये अजान पढ़े तो ना लोग कलमा पढ़न। उन्हें हजरत बिलाल हबशी ने आख्या तू मेरे को उधार खरीद कर, मैं तेन पुछद नहीं। हजरत बिलाल हबशी को खरीद लग पे। ओदा ख्याल है कि जब इसको कर्जा वापस ना दिता जाएगा तो मैं गुलाम बना लवाना, फिर अजान ना पड़ेगा। हजरत बिलाल हबशी को खरीद रहे, खरीद रहे, खरीद रहे, जो चौखे पैसे हो गए ना, एक दिन आपने अजान पढ़ी थी, वो मदीने के चौधरी नाल लेके आया, तो हजरत बिलाल ने गुस्से ना कह लगा बिलाल तीन दिन का वक्त है, मेरे पैसे का इंतजाम कर, ना पैसे दिते ते मैं तेनों अपना गुलाम बना लवांगा। हजरत बिलाल हबशी उहदी साज़िश समझ के रोंदे नबी करीम को लागे, अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह उस यहूदी ने मेरे नाल दगा कीता है, क्योंकि यहूदी बड़ी दगाबाज कौम है। ऐ तुसीं वेख रहे हो ना अजकल की हो रहा फलस्तीन का, की कीता जा रहा। गिरामी कदर हजरात, यहूदी ने दगा कीता। हजरत बिलाल हबशी ने जदों नबी करीम नूं दस्या ना, ते अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह या ते उहदे पैसे दिओ। हजूर ने फरमाया कि मेरे को अजे पैसे तो कोई नहीं। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अद्धी जिंदगी तो मैं गैरां दी गुलामी च गुजारी, जिहड़ी बाकी बच गई सोने उते मैं तेरी गुलामी च गुजारना चाहना, वह मैनू अपना गुलाम ना किधरे बना लवे, तो मैं मदीना छोड़ के चलिया, जो पैसे होन तो मैं बुला लिया। हजरत बिलाल हबशी ने जुत्ती मुबारक पहनी, तलवार कंधे ना लटकई, तो टुर पे। कुल कायनात बिलाल दी है भी तो यही सी ना, एक तलवार तो एक जुत्ती मुबारक पहन के टुर पे। वह कहते ने को पिंड सैलाब आया ना, तो पिंड के चौधरी सारे कोई अपनी कोठी पिया संभाले, कोई बैड पिया संभाले, कोई टीवी पिया संभाले, कोई कुछ पिया संभाले। वह पिंड एक ही गरीब से, बहुत ही गरीब से, वो को है ही कुछ नहीं। उन्हें अपना परना रखिया कंधे से, टुर पिया पिंडू। लोग आख्या तेनू को बड़ा खुश है, तू बड़ा खुश है। उन्हें आख्या गरीबी का स्वाद ही अज आया, गरीबी का स्वाद ही अज आया। लोग अपने आपे संभालते ने, मेरे को है ही कुछ नहीं, मैं की संभालना। बिलाल हबशी कंधे ते तलवार लटकाई, टुर पे मदीना छड़ के, रोंदे मदीना तैयबा छड़ के जा रहे ना।
इधर कौन है दिवाली की बारगाह च ताइफ के सरदार ने चार ऊंट समान दे लदे तोहफा भेज दिता। इधर ऊंट आके दरवाजे मुस्तफा च खड़े हुए थे, मेरे नबी फरमा दौड़ो को बिलाल नु बुलाओ। जाके किसी आख्या बिलाल तेनों नबी पाक पे बुला देने। हजूर ने फरमा बिलाल ए ऊंटा की बुहार फड़ तो जा यहूदी की दुकान से, तेनों कह जरा हिसाब किताब बंद कर, वो ऊंटा का हिसाब करके उदा सौदा वापस कर। बिलाल हबशी ऊंट की बुहार पकड़ी तो लैके गए, उन्हों जाके तो बड़े रोब से दबते बिना फरमा देने कर मेरा हिसाब। वह हिसाब यहूदी किया तो शाह जी तीन ऊंटा का समान बनया। बिलाले अर्शी ने तीन ऊंट यहूदी नु दिते, चौथे दी मुहार फड़ के कंधे ते लटका के मदीना दी गली च नबी पाक दे दरवाजे वाले आ रहे। नाले दरवाजे वाले आउंदे, नाले कहंदे ने सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या। मैं बस आखिरी गल कर लगा हूं, जिदा दिल कर देना मेरा दबारा नबी पाक दे दबारे सद के वसदा ही रवे। इस तरह करके हाथ खड़ा करो भाई सारे, इंज मैं भी नहीं पढ़ना जब तक सारे हाथ ना खड़े करोगे सारे। भाई वेखो किन्ने नहीं खड़ा किया, अखियां बंद कर लो, गुंबद खिदरा का तस्वर कर लो। इस तरह करके ना मंगते बन जाओ हजूर के बूहे से, वो झलियो जरा हजूर का मंगता बन जाए इज्जतदार हो ही होंगे। मंगते बन गए, मंगते का काम होंगे सदा देना। वो कहता वो घर वाले तेरा बूहा वसदा रहे, वह तेरे बच्चे वसदे रहन, तेरा कारोबार वसदा। ये सदा देवे ना जो तू मंगता फिर सखी खैर पाते ने, तुम भी सदा दियो। सारे मिलके पढ़िए सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रबे दबाराया रसूल अल्लाह, सदा फसदा रवे रा दबाराया रसूल अल्लाह, सदा फसदा रवे तेरा दबाराया रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह। एक बारी उच्चा बोल के पढ़ो, मैं सुनना चाहना, उच्ची बोल के पढ़ो सदा वसदा। ए सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह। ऊंट आया ते नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी बारगाह च ना उन्हें कोई शिकायत की थी। हजूर ने फरमाया मालिक नूं बुलाओ, उहदा मालिक आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ भाई ये ऊंट तेरी शिकायत पे कर दे। अर्ज कर दे यार रसूल अल्लाह ये ऊंट बड़ा अथरा है, जेड़ा दे करीब जावे मार दे।
या रसूल अल्लाह ना सवारी करन देंदा है ना ही कोई बोझ उठांदा है, या रसूल अल्लाह खाना खांदा है पर करीब किसे नूं नहीं आउन देंदा, पहले इंज दा नहीं सी हुण बड़ा अथरा हो गया। नबी पाक ने ऊंट नूं फरमाया गल की है, तवज्जो है सारे मेरे वल गौर। हजूर ने फरमाया क्यों इंज करना, ऊंट कहन लगा कमली वालिया इनू पुछो ये इशा दी नमाज नहीं पढ़ता, मैनू डर लगता यार रसूल अल्लाह इहदे इशा दी नमाज पढ़न दी ना पढ़न दी वजह तू इहदे ते अजाब आना है ते इहदी वजह तू किधर मेरे ते भी अजाब ना आ जाए। हजूर ने उन्हें फरमाया सुनिया भाई तू इशा दी नमाज नहीं पढ़ता, ए उठ तेरी शिकायत करता है कि तेरे ते अजाब ते आना ही आना किधर मेरे ते भी ना आ जाए। उस बंदे ने हाथ जोड़ के अर्ज की यार रसूल अल्लाह आज तो बाद मैं इशा दी नमाज नहीं छड़ांगा। ते ऊंट कहन लगा तू इशा दी नमाज नहीं छड़ेगा ते मैं भी तेरी गुलामी नहीं छड़ांगा। सुभान अल्लाह, ए ओ बारगाह जिथे आके जानवर भी शिकायतां कर दे, माड़ियां दियां गरीबां दियां जानवरां दियां सारियां दियां इसे बारगाह च सुनियां जांदियां। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों आई ना मां ते बाप दी वारी ते बहनां ते भाईयां दी वारी, ओ किहड़ा रिश्ता जिहड़े रिश्ते दा अदब ते इहतराम ते मेरे नबी ने दसिया, यानी सीरत दा हर रंग वेखो। हजूर आए थे मां के कदम थले जन्नत आ गया, बाप जन्नत का दरवाजा बन गया, नेक बीवी जन्नत की साथी बन गई, तो बहना ते बेटिया नो मेरे नबी ने जन्नत की राहदारी ते टिकटा बना देता, बेटिया ते बहना नो ते जिंदा ही दफन कर देते सन ना पैदा हो दिए। कौन है बाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बेटी ते बहन का एहतराम दसिया, जदों मेरे नबी की बहन आई ना हजरत शीमा आके ते रो के ते सामने आई ना ते मेरे आका अलैहि सलाम ने वेखा ते बीबी आई फरमा कौन है, उन्हें इस तरह करके अपनी गर्दन तो थोड़ा जा कपड़ा हटा के ते अर्ज की सोनिया ते छानिया नहीं ते अपनी गर्दन तो कपड़ा हटा के कहती है तेन बचपन च इनिया लोरियां दितियां सोनिया तेरे दंदा के निशान अजे भी मेरी गर्दन ते लगे हुए। हजूर उठ के खड़े हो गए ते फरमाया सहाबा वेखो मुहम्मद की बाजी शीमा आई जे, मेरी बहन शीमा आई जे। सैयद आलम ने अपनी बहन वास्ते चादर बिछा दी थी ते फरमाया मेरी चादर ते बैठ बाजी, मेरे नबी दी शीमा चादर ते बैठ गई, हजूर सामने बैठ गए। पता नहीं बहन ते भाई ने मिल के कितनी देर अम्मा हलीमा दियां गल्लां कीतियां होणगियां, मेरे आका रोई जा रहे। तुसा ईद उत्ते अपनी बहनां नूं ईद भेजी के नहीं भेजी, तुसा ते खबरें भेजी के नहीं भेजी, बहनां दे हक रखे के मारे मैनूं नहीं पता, पर आ मैं तैनूं रसूल अल्लाह दी सीरत दा रंग सुणावां। बड़िया गल्लां करके मेरे आका ने फरमाया बाजी शीमा किधर आई, सैयदा शीमा कह लगियां वे कमली वालिया तुहाडे साहबां ने मेरे कबीले दे चंद लोग गिरफ्तार कर ले नहीं, मेरी शादी जड़ी कबीले दे अंदर हुई ससुराल पता लगे आओ, मेरे कबीले दे लोगों ने मदीने दे मुहम्मद गुलामा ने उन्होंने कैद कर लिया है, सारे चौधरियों मैं आख्या एक बार मैं मुहम्मद सामने लै जाओ मैं सारे कैदी छुड़ा के लै आवगी। कबीले दे सरदार कह लगे बीबी तू कबीले की एक आम जी औरत है, उत्ते बड़े बड़े बादशाह दिया नहीं चलिया, बड़े बड़े कबीले दे सरदारा दिया नहीं चलिया, तू कबीले की एक आम जी औरत तेरी किमें चलेगी। लोगों ने आख्या बीबी ना मदीने जावी न कह के आई लोगों एक बारी मैं मुहम्मद की बार गज लै जाओ, कबीले वाले पूछा तेरा मुहम्मद का रिश्ता की है, मैं कह के आई एक बारी मैं मुहम्मद सामने लै जाओ फिर मुहम्मद दसन गए मेरा ते मुहम्मद का रिश्ता की है। कह लगी सुनया मैं कबीले च बड़ी गर्दन उची करके आवाज उची करके आई आओ मैं कभी छुड़ा के लेके आवगी, सुनया अपनी बहन की लाज रखनी मेरे आका ने फरमाया बाजी मंग की मंगनी है, अर्ज की सोनिया मेरे कबीले दे लोग छोड़ दे आओ, मेरे आका ने फरमाया साबा इन्हां दे कबीले दे सारे लोग छड़ दे आओ, अज
मुहम्मद बाजीशी मायाईये नौजवानों कबीले दे सारे कैदी भी छोड़ दिते जदो मेरे आका दी बाजी टुरन लगी मेरे आका सीने लाके रोंदे रे ओ बचपन दियां बाजी दियां लोरियां याद आईया अम्मा लीमा दे वेड़े दियां बहारां याद आईया बाजी टुरन लगी मेरे नबी ने बहन गुलाम भी अता कीते उन पादियां ते नौकरानियां भी दितियां उन तीरां ते दिनार ते बकरियां ते ऊंट दे के तोरिया नाले उम्मत नूं दसिया मुहम्मद कलमा पढ़ के गुजारा ना कर लिया जे जदों भैणा बुवे आ जान इंज टोरिया जे जिवें मुहम्मद भैन टोरिया वाली ने अपनी चादर ते कमली ओदे सिर ते रखी ते लोग अर्ज कीती सोनिया काफिर दी धी है मेरे नबी फरमाया पावे काफिर दी है ते किसे दी धी ना फरमाया सिर ते चादर दे के आने वाली उम्मत दियां बेटियां नूं दसना चाहना जे मैं अपनी बेटी दा सिर नंगा नहीं वेख सकदा ते सिर नंगे मैं गैरां दियां धीआं दे भी नहीं वेख सकदा इस वास्ते मैं पढ़िया करना वा जिस वेले तशरीफ लियाया कुल्ले आलम दा वाली मिली भर गए काशे खाली ए धिया नो भी इज्जत मिली भर गए काशे खाली नबी दी सीरत पढ़ के वेख लो गरीबां माड़ियां जानवरां अपनियां बेगानियां मां बाप बहन बेटी बीवी हर एक दा ख्याल मेरे नबी कीता अम्मा आशा सिद्दीका ने कदे नर्द कीती बीवी सन ना लाडां वाली मेरा नबी रब दा महबूब ते रब दे महबूब दी महबूबा ते अर्ज कर दिया तुहानूं मेरे नाल किन्ना कोई प्यार है बीवी नूं बड़ा चाह हुंदा शौहर नूं पुछण दा तुहानूं मेरे नाल किन्ना प्यार है अज की बीवी पुछ ले तो नौजवान दसना नहीं आता क्यों क्योंकि तरबीयत नहीं हुई परवाह मदीने दिया ताजदारा अम्माशा पुछ दिया तो मेरे ना किन्ना को प्यार है नहीं समझे जग करे नबी नल प्यार रब करे नबी नल प्यार तो नबी नु पुछ दिया तो मेरे नल किन्ना प्यार है मेरे नबी दे फिर दसन तो सदके ए इंज करके मेरे नबी ने कमली का कोना पकड़िया ए इस तरह करके गिरा लगाई गिरा लगा के जोर ना पीच के ते हजूर फरमाद ने आशा मैनु तेरे नाल इन्ना प्यार है उस दिन तो बाद अम्मा आशा कदे नहीं पूछा तुहानू मेरे नाल किन्ना प्यार है बस पूछ दिया सानू गंड दा की हाल है हजूर ने फरमाना ओवें ही पक्की है ओवें पक्की है यानी कि कोई कायनात दा रिश्ता होवे ओदा मान मेरे नबी ने रखिया मान मेरे नबी ने रखिया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना फरमाया रसूलुल्लाह विच तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है जब कभी भी बात होगी साहिब किरदार की हर बशर देगा गवाही अहमद मुख्तार की लो जी कहंदे ने मां दी शान दा शेर पढ़ दो आखिर तो शेर सुन लो तो मैं इजाजत चाहवा आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मावां वाले भाई मावां वाले मावां दे कुले से फरियाद लै जांदे ऐ पर मोइयां मावां वाले रो रो आपे छुपे कर जांदे ए मोइयां मावां वाले रो रो आपे छुपे क
कर जांदे तुसां ईद दिन वेख्या वेगा सारा राजा हरपाल वाले नवे कपड़े पा के खुशियां मनांदे आणगे ईद मनांदे आणगे पर जिन्हां दियां मावां ठुर गईयां ने ईद वाले दिन कपड़े पा के कब्रिस्तान जाके मावां दियां कब्रां ते बैठ के रोंदे आणगे ओए मावां ठुर जाण ईदां भी ईदां नहीं लगदियां ए मोईयां मावां वाले रो रो आपे छुपे कर जांदे।